पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 बीएचके 2 बीएचके और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विथ बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल है। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। तो बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि राजू अंसारी साहब हमारे परिवार के एक हिस्सा हैं और राजू अंसारी साहब को जब सजा हुई, क्योंकि मैं कश्मीर में उनके साथ था, 28 तारीख को हम लोग आए, 29 तारीख को डेट थी और जब हमको ये मालूम पड़ा कि उनको सेशन कोर्ट ने सज़ा सुना दी 7 साल की, हमको ऐसा लगा कि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बिछड़ गया हमसे। लेकिन जब उनकी बेल हाई कोर्ट से बेल हुई तो हमको ऐसा लगा कि हमारे ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी जो हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर दूर हो चुकी थी हमारे पास आ गई और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरीके की मुसीबत किसी पर भी ना लाए। आज बहुत खुशी का दिन है, आज उनकी रिहाई का दिन है, शहर के लोग हैं, शहर के मौजूद शख्सियत है, पॉलिटिकल है, उनके वालिद साहब के से लेकर के आज तक हमारे उनके फैमिली रिलेशन रहे हैं, बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, कुछ गलतियां हो सकता हुई होगी, कुछ हो जाता है, कोई घर से अपने निकलता है तो ये सोच के नहीं निकलता कि मैं आज चल के किसी से झगड़ा करूँगा, एक हादसा हो जाता है, एक सडनली कोई वाक़ा हो जाता है जिसकी एक प्रतिक्रिया चली, कोर्ट ने अपना काम किया, कोर्ट ने उनको सज़ा दी, सज़ा देने के बाद हम हाई कोर्ट में अपील किया, अपील करने के बाद हमको बेल मिली, हम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, जो भी फैसला आया हम उसका सम्मान करते हैं और जिसकी फैमिली के साथ हुआ ठीक है, वो उन्होंने कोर्ट में मूव किए, कोर्ट ने उनके पक्ष को सुना, हमारे पक्ष को सुना, कोर्ट को लगा कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, कोर्ट ने उनको 7 साल की सज़ा दी लेकिन हाई कोर्ट ने उसको फिर सज़ा को सुना, हमने अपील किया, हम लोगों ने दुआएं की कि भाई जो भी इस तरीके की सज़ा हुई है उस पर हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम अपने पक्ष को रखा जाए, हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा, हमारे वकील ने पक्ष को रखा और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शहर के लोगों की दुआओं के ज़रिए और उनको अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिल गई, आज हम लोग उसी के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। सफर भाई एक सवाल रहेगा जो शहर में ये भी चर्चा है कि तकरीबन 21 से 30 दिन तक जलाल तेली जो है एडमिट थे, उनके एक आंख जो है वो डैमेज हो चुकी है पूरी तरीके से, यानी उनका विजन जो है ख़त्म हो चुका है, तो वो तकलीफ और ये तकलीफ क्या अंतर रहेगा आपके साथ? देखिए वो जो तेली परिवार है उससे हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, एक्चुअली वो हमारे कॉन्टेक्ट में ही नहीं, लेकिन अगर उनकी आँख गई है उस लड़ाई झगड़े में, मैंने क्या कहा कि किसी का कोई विचार नहीं होता। देखिए एक आदमी होता है कि प्रोफेशनल क्रिमिनल होता है, एक आदमी होता है कि कहीं घर से निकला, कोई हादसा हो गया, लग गई अचानक कोई हादसा हो गया, वो एक अलग बात है। देखिए अगर उनकी आंख गई है तो उसका भी हमको तकलीफ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, इस तरीके के हादसा कहीं नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा आदमी को अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, उन्होंने उनकी जब आँख में चोट लगी तो उसका उन्होंने क्या हुआ, कोर्ट गए, पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट और पुलिस स्टेशन ने जो फैसला किया और कोर्ट ने जो फैसला किया उसको मान्य, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो कोर्ट का फैसला है। देखिए ये हमारे लिए
हमारे तमाम दोस्तों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए बहुत खुशी की बात है। राजू भाई शहर के बहुत जिम्मेदार आदमी थे और हम लोगों के दोस्त थे। जो 45 दिन ये गुजरा है, ये काफ़ी तकलीफ में गुजरा है, जिसमें रमज़ान भी आया, घर के लोगों के लिए ईद भी थी, लेकिन हकीकत में आज हम लोगों को लग रहा है कि हमारी बहुत अच्छी ईद आज है। हमारे तमाम दोस्त अहबाब साथी, क्योंकि राजू भाई से 20-25 साल के ताल्लुकात हैं, हमेशा साथ में उठते बैठते हैं। एक साथी यहाँ नहीं था, जब हमको मालूम पड़ा कि उसकी जमानत हो गई, तो हम लोग आज इस खुशी के मौके पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनको हमेशा जो है इसी तरीके से जो है खुश रखे और सही रखे। शहर में ये भी चल जाए, जिस तरह से हमदर्दी राजू अंसारी उनके भाई उनकी फैमिली के लिए है, तो वो हमदर्दी जलाल के लिए क्यों नहीं है? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया में जिसके लिए होता है इसके लिए कानून है। कानून ने जो हिसाब से जो वो केस चला, कानून ने जो जिस हिसाब से सिस्टम हुआ, उस हिसाब में कानून ने सजा दी। हमको उसमें नहीं जाना। हमारे लिए खुशी की बात है कि राजू भाई हमारे दोस्त थे और वो प्रोसीजर से आ रहे हैं, पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी जमानत हुई है और वो छूट के वो घर पे जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो खुशी की बात है और शहर के उन तमाम लोगों के लिए खुशी की बात है। राजू भाई ने पूरी मेहनत से और तरीके से उस केस की प्रक्रिया चली, उसमें उनको सजा हुई, आज हाई कोर्ट से उनकी जमानत हुई है, ये तो खुशी की बात है शहर के लिए और तमाम लोगों के लिए।